नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हेल्प जंक्शन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो कैसे हाइड कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, ये जो वीडियो है अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप सीख जाएंगे। अब हाइड करने का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि भाई आपको सब्सक्राइबर हाइड करने हैं और इसीलिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कैसे आपको सब्सक्राइबर हाइड करने हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या सीख जाएँ आप तो लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको अपने फ़ोन से अपने YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो हाइड करने हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र जो आपको ओपन करना है। तो क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करके यहाँ पर आपको ब्राउज़र में सर्च करना है YouTube। तो यहाँ पर YouTube या YouTube.com आप सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, हमने YouTube.com यहाँ पर सर्च कर लिया। तो अगर अभी आप YouTube पर क्लिक करेंगे तो ये जो है YouTube की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो कॉर्नर में ऑप्शन आता है जो रेड कलर का आ रहा है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो आप डेस्कटॉप साइट का ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी ये जो डेस्कटॉप साइट में है वो हो गया है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं और सबसे ऊपर आपको जो YouTube.com की वेबसाइट मिल रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा YouTube, क्रोम और ब्राउज़र। तो क्रोम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब अभी ये जो है आपका वेबसाइट पर YouTube जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर कैसे हाइड करने हैं उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, इसको एक बार खुल जाने देते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तो सिंपली ये जो है यहाँ पर खुल गया पूरी तरीके से या फिर ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में आप पास से देख सकते हैं एक बार आपको जीमेल का या फिर आपके चैनल का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने YouTube स्टूडियो में चला जाना है। तो YouTube स्टूडियो में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको YouTube स्टूडियो थोड़ा सा वेट लेगा नेटवर्क की वजह से, और यहाँ पर आपका जो YouTube स्टूडियो है वो आपके फ़ोन में Google Chrome की वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा। तो फाइनली देखिए, ओपन होने के बाद YouTube का जो स्टूडियो है वो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। तो यहाँ पर ऊपर इतने सारे फीचर आ रहे हैं आप एक बार देखिए, और नीचे भी आपको कुछ फीचर्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो एक बार सही तरीके से आप देख सकते हैं भाई नीचे की ओर, यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक सेटिंग का और एक आपको मिल रहा है यहाँ पर फीडबैक का। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं और नीचे के ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी सी जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको, तो यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो देखिए, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। इसको अगर जूम इन करें, जूम आउट करें तो इस प्रकार से ये जो है वो दिखने वाला है। आप देख सकते हैं इसको करीब से, और यहाँ पर मैं एक बार अच्छी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि भाई आपको जो ऑप्शन मिल रहा है जनरल का मिल रहा है, चैनल का मिल रहा है, अपलोड डिफ़ॉल्ट और परमिशन कम्युनिटी एग्रीमेंट का मिल रहा है। तो आपको सिंपली चैनल वाले पर क्लिक कर देना है। चैनल वाले पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। तो आपको एडवांस सेटिंग का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइबर काउंट का। तो ये जो सब्सक्राइबर काउंट का ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल। तो अगर आप चाहते हैं दिखाना तो इसको टिक रहने दीजिए। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए, ये टिक जो है वो हटा दीजिए और उसके बाद इसको जूम इन कर दीजिए, सॉरी जूम आउट कर दीजिए, और यहाँ पर जो सेव है सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक कर देंगे ये जो है आपके सब्सक्राइबर हाइड हो चुके हैं। तो दोस्तों, यही ट्रिक थी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ जानना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। We'll be right back.